हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं और गर्भधारण करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि आखिर जल्दी प्रेगनेंसी कैसे हासिल की जाए। जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो आप एक तरीके से एक टारगेटेड अप्रोच चल रहा होता है कि हाँ, मुझे इस महीने तो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। और जब 2 या 3 महीने 4 महीने ट्राई करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो बहुत निराशा और हताशा होती कि आखिर क्यों मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको ये इवेल्युएट करना होगा कि आप और आपके पार्टनर में हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं हो। जब भी अगर हेल्थ वाइज कोई इशू हो तो पहले उसे सॉर्ट आउट किया जाए, देन ही प्रेगनेंसी प्लान की जाए। तो जब भी प्रेगनेंसी प्लान की जाए तो बेसिक कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं कि जैसे कि ब्लड ग्रुप आपका CBC हो गया, आपका थायराइड का टेस्ट हो गया और ब्लड शुगर हो गया। तो एटलीस्ट मोटे तौर पर कोई बीमारी BP की, शुगर की या थायराइड की नहीं होनी चाहिए जिससे कि आसानी से प्रेगनेंसी हो सके। क्योंकि कई बार अपन जल्दबाजी में प्रेगनेंसी तो अचीव कर लेते हैं लेकिन अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा ना हो। और जब भी थायराइड का वैल्यू 2.5 के ऊपर आता है तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेकर मेडिसिन चालू करनी चाहिए जिससे कि अबॉर्शन के चांसेस बाद में कम किए जा सके। दूसरा, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो फोलिक एसिड की गोली शुरू कर लीजिए, जिससे कि 1 या 2 महीना पहले, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी होने में भी आसानी होगी और प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तीसरा, प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए आपका और आपके पार्टनर का साथ रहना ज़रूरी है, बट कई बार आपकी और आपके पार्टनर की वर्किंग एरियाज अलग अलग होते हैं, आप अलग अलग सेपरेटली ले रहे होते हैं। और कभी कभी आप ऐसा कर रहे होते हैं कि महीना आया और तुरंत उसके बाद आप हस्बैंड से मिल रही हैं बट और 10वें दिन के बाद 20वें दिन तक बीच में आप नहीं मिल पा रही हैं, और जब महीने से पहले आप मिल पा रही हैं तो किसी प्रकार से आपने जो फर्टिलिटी का जो पीरियड था वो तो अवॉइड कर दिया और नॉन फर्टाइल पीरियड में आपने ट्राई किया, तो इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी का प्लान करें तो अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको चार्ट आउट कर लीजिए कि कितने दिन का साइकिल है, यानी कि अगर आपका किस दिन शुरू हो रहा है किस दिन ख़त्म हो रहा है। तो 3-4 महीने का जब आप देखेंगे तो आपका साइकिल का लेंथ आपको मिल जाएगा कि 28 दिन का साइकिल है, 30 दिन का साइकिल है या 25 दिन का साइकिल है। और जितने भी दिन का साइकिल है आप उसमें पीछे से 14 दिन घटा दीजिए, तो जिस 14वां दिन होता है उसी दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा बन के फूटता है। और जब अंडा बन के फूटता है तभी प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि जब अंडा बन के फूटने के पिछले 2 या 3 दिन पहले से अगर आप ट्राई करने लगेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकती हैं तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं कि महीने के 10वें दिन से लेकर महीने के 20वें दिन तक, जो महीने के बीच के 10 दिन हैं उनमें आप ट्राई कीजिए। और अल्टरनेट डे अगर आप इंटरकोर्स करती हैं तो बिना स्ट्रेस के, बिना किसी प्लानिंग के आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं। इसके साथ ही यदि आपने अगर सीमन एनालिसिस नहीं करवाया है अपने पार्टनर का तो वो भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार सीमन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्पम्स का नंबर कम हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकती है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी अचीव होने में दिक्कत आती है। तो वो अगर टेस्ट आप करवा लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये पता रहेगा कि एटलीस्ट सीमन एनालिसिस में या सीमन में कोई प्रॉब्लम नहीं है या मेल पार्टनर का कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही हो। अब जब आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं उस पर भी कई चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो ओव्यूलेशन का तारीख भी डिसाइडेड नहीं होगा और फिर आप इंटरकोर्स का टाइम भी डिसाइड नहीं कर पाएंगी, तो उससे भी प्रेगनेंसी होने में तकलीफ आती है। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। कई बार PCOD टाइप की बीमारियाँ होती है जिसमें महीना समय पर नहीं आता है और PCOD में अंडा बनता तो है लेकिन फूटता नहीं है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अगर आप सोनोग्राफी करवा लेंगी तो डॉक्टर के पास जाकर तो आपको ये पता चल जाएगा कि PCOD है या नहीं है और कोई बच्चेदानी में गांठ या सिस्ट या और कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत दे रही हो। तो ये इवेल्युएशन कराने से कई बार मेंटल पीस मिल जाता है कि हाँ, एटलीस्ट अंदरूनी कोई समस्या नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसके अलावा कई बार ट्यूब की पेटेंसी का भी इशू आता है, यानी कि बच्चेदानी की तरफ दोनों तरफ जो नलियाँ होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, कई बार उनमें कोई ब्लॉकेज हो सकता है या कोई कचरा हो सकता है या कोई म्यूकस जमा हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। तो उसमें एक HSG करके, यानी कि हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी टेस्ट होता है, जिसमें नीचे से दवाई डालकर एक्सरे खींचा जाता है जिससे ये पता चलता है कि आपकी दोनों तरफ की नलियाँ खुली है या बंद है। और कई बार कोई छोटा मोटा ब्लॉकेज होता है तो दवाई डालने से खुल भी जाता है, तो वो भी आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में फ़ायदा करता है।
और कई बार लोकल पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, जिससे कि इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम आ रही हो और आप प्रॉपर तरीके से अपने हस्बैंड के साथ कंफर्ट जोन में नहीं आ पा रही हो, तो हो सकता है वो भी एक कारण हो प्रेगनेंसी नहीं होने का। तो वो भी आप डॉक्टर से एक बार इवेल्युएट करवा सकती हैं कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये तकलीफ आ रही है। तो मोटे तौर पर अब आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी होने के लिए अंडा बनना ज़रूरी है, अंडा बन के फूटना ज़रूरी है, ट्यूब्स खुली होना ज़रूरी है, उसका बच्चेदानी तक पहुंचना ज़रूरी है और सीमन में स्पर्म्स का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट के द्वारा पता लगाई जा सकती है, एक सोनोग्राफी से और HSG से अंदर का स्टेटस पता लग जाता है और सीमन एनालिसिस से मेल पार्टनर का असेसमेंट हो जाता है। जब आपका ये इवेल्युएशन हो जाता है तब आप सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड या फर्टाइल या नॉन फर्टाइल पीरियड के बारे में समझ सकती है, जो कि हमने अभी आपको बताया कि जो महीने के 10 दिन हैं बीच वाले उनमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। या आप इवेल्युएशन 14 डेज बैक की कैलकुलेशन भी आप कर सकती हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है। और आप टाइम्ड इंटरकोर्स अगर करती हैं, यानी कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते और आप प्लान करके इंटरकोर्स करती हैं, तो डेफिनेटली आपको ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास ही मिलना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो अगर आप ये सारे मेजर्स अपनाती हैं तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है 3 से 6 महीने आप ट्राई कर सकती हैं, अगर फिर भी नहीं होती है तो फिर अंडा बनने की मेडिसिन होती है, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से फिर आप ले सकती हैं। और जब वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो साथ ही साथ ओव्यूलेशन स्टडी भी की जाती है, जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा और अंडे का साइज़ प्रॉपर बना है या नहीं बना, और जब अंडे का साइज़ प्रॉपर नहीं बनता तो इंजेक्शन लगा कर अंडे का साइज़ आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ें अंडर मॉनिटरिंग होती है, अंडर एक्सपर्ट ओपिनियन होती है। तो ये सारा जब भी आप करवाएं तो डॉक्टर की सलाह के साथ करवाइए ताकि आपको जल्दी से प्रेगनेंसी अचीव हो जाए। होम रेमेडीज़ हमने आपको समझा दी हैं, 3 से 6 महीने से ज़्यादा ट्राई ना करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब होता है तो उम्र बढ़ जाती है और ओव्यूलेशन की क्वालिटी भी थोड़ी सी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, साथ ही अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर वेट ना करें, लेकिन हाँ, होम रेमेडी से आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।